हेलो बच्चों, वेलकम टू द आरटी एकेडमी। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर दुर्गेश सर, और क्लास 12th की एक कैलकुलस की सीरीज अभी स्टार्ट होने जा रही है। बच्चों के मन में रहता है यार कैलकुलस बड़ा टफ है, डिफरेंशिएशन टफ है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कुछ भी अब आपको टफ नहीं लगने वाला है। बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के टॉप तक चलेंगे, पूरे बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर जो भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम उनको भी कंसीडर करेंगे, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, सब कुछ लेकर के चलेंगे आपके लिए। तो आपको ध्यान देना, लोग मिल कहाँ पे रहे हैं, प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पे। और आपको क्या कर लेना, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। आज आपके लिए बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए, आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। और कॉन्टिन्यूटी का आज है लेक्चर नंबर 1। कॉन्टिन्यूटी का हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 1। तो क्या स्टार्ट कर लेते हैं आज से कॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, इसमें समझ लेते हैं कॉन्टिन्यूटी है। जैसे कि मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक, जैसे जनरली मैंने कोई कर्व बना रखा ही हूं और मुझे इस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए एक मैंने पॉइंट ले लिया इस जगह, अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट ए है, तो इसके राइट साइड हम जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करने पे एच आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल आपको गैप तो दिख रहा है, इसमें गैप बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, बट गैप होता बहुत कम है। और ये लेफ्ट साइड अगर आप आएंगे तो एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये एच होगा, ए प्लस एच होगी, राइट साइड जा रहे हैं। और ये पॉइंट जो है हमारा ये हो जाएगा ए माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अच्छा एक बच्चा हमसे पूछता है एक बार, सर एच ही क्यों लेते हैं, कोई और डिजिट क्यों नहीं लेते। तो एच जो वर्ड है वो आया निकल रहा है हाउ एवर स्मॉल, मतलब जितना छोटा आप समझ सकते हैं एच की वैल्यू उतनी छोटी हो सकती है, मतलब अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर। बस जीरो रखने से उसमें फर्क ना पड़े, मतलब डिनोमिनेटर में तो आप नहीं रख सकते, न्यूमरेटर में तो आप रख सकते हैं। आप लिमिट तब तक अप्लाई नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में जब तक डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, और डिनोमिनेटर जीरो ना हो आप आराम से लिमिट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं पहले, इसको करना क्या होता है। ये जो पार्ट है हमारा ये राइट हैंड लिमिट आर एच एल का है, और ये जो पोर्शन हमारा दिख रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर मैं यहाँ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लिखूं आपके लिए तो डेफिनेशन क्या होगी इसको देख लेते हैं हम लोग। तो कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है हमारे लिए वो ये कुछ इस तरीके से है, और फंक्शन एफ एक्स It is said to be continuous the function fx is said to be continuous if left hand limit equal to right hand limit equal to value of function। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मेथड क्या है, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a माइनस h, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। इसको बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं लोग।
तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी केस में, उस केस में हम कहेंगे फंक्शन कैसा है हमारा कॉन्टिन्यूस। अरे कॉन्टिन्यूस का मतलब आप समझे ब्रेक है ना, जैसे यहां से जा रहा है तो देखिए यहां ब्रेकिंग नहीं है, पॉइंट ए पे क्या है ब्रेक नहीं है फंक्शन, वो अगर पॉइंट ए फंक्शन ब्रेक नहीं है यानी फंक्शन कैसा है कॉन्टिन्यूस। जैसे कि जनरली एक दो ग्राफ में और करूं, जैसे कि मान लीजिए एक कर्व बना है और इसके बाद एक कर्व यहां बना दी गई, तो देखिए यहां ब्रेक हो गया, अगर फंक्शन यहां पे ब्रेक हो गया है इस पॉइंट पे क्या हो गया फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो गया, जहां पे ब्रेकिंग हो जाएगी वहां फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस। मैंने फिगर एक दिखाने के लिए आपको बना दिया था बस, फिर तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इसका एक मेथड और भी है, उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस लैंग्वेज पर डिस्कस करेंगे, बाकी आपको सिंपल वे बस इतना समझ लेना है कि आरएचएल निकालना है, एलएचएल निकालना है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है। RHL का मतलब हो जाएगा a function f(x) is said to be continuous if limit h tend to 0 f of a minus h, RHL जब निकालेंगे तो limit h tend to 0 f of a plus h of value of function यानी कि f of a। चलिए कुछ questions देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि question ये है, f(x) दिया गया x cube plus 3, limit x tend to 0 है मतलब x not equal to 0 है, और इधर x = 0 गिवन है, 1 है x = 0, तो हमें चेक करनी है चेक कंटिन्यूटी एट x = 0। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसको कंप्लीट कर देता हूं, चेक कंटिन्यूटी एट x = 0, हमें x = 0 पे कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहली बात तो हम निकालेंगे LHL, LHL में क्या होगा लिमिट h tend to 0 f of a minus h, a का मतलब हो गया 0, a का मतलब ये होगा हमें जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक करनी है वही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा a, और अगर 0 पे चेक करनी है तो हमने 0 minus h कर दिया इसको। अब देखो 0 minus h से डेफिनेटली आपको फंक्शन कौन सा लेना होगा, ऊपर वाला लेना होगा क्योंकि यहीं पर 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 0 minus h हो रहा है तो 0 के इक्वल नहीं। तो जरा इसको सॉल्व करें, लिमिट h tend to 0 ये हो जाएगा माइनस एच का क्यूब प्लस का 3, लिमिट अप्लाई करें तो 0 का क्यूब प्लस का 3 यानी कि क्या आएगा 3। अगर जरा हम बात कर ले आरएचएल के राइट हैंड लिमिट की, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, अरे 0 प्लस h है, 0 प्लस h है तो भी हमें स्टार्टिंग वाला ही फंक्शन लेना है क्योंकि 0 के इक्वल उसमें भी नहीं है, इसको कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 h क्यूब प्लस 3, h की वैल्यू 0, 0 के ऊपर प्लस 3 0। अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ फंक्शन की, बात कर ले हम लोग यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा f ऑफ 0 और f of 0 की वैल्यू क्या है फंक्शन की इक्वल टू 1। तो सबसे पहली बात आप यहां पर करेक्ट कर लेते हैं, तो 3 होगा तो मैंने 0 लिख दिया इसको, सिंस LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जबकि कंटीन्यूअस होने के लिए तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, सो fx is not continuous at x equal 0, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किस पॉइंट पे x equal to 0 पे। तो चलिए इसमें और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग आगे। जैसे एक क्वेश्चन ये, अ फंक्शन इज f इज डिफाइंड एज fx, ये दिया गया है, शो करना है कि f क्या कंटीन्यूअस x = 3 में, ठीक है, हम लोग LHL निकाल लें, RHL निकाल लें, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लें, और अगर तीनों इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटीन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बारी आती है LHL की, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 3 - h,
माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 होल अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3। तो ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 होल स्क्वायर ओपन कर ले, 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6 एच माइनस 3 प्लस एच माइनस 6 होल अपॉन माइनस एच, 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एच स्क्वायर माइनस 5 एच होल अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 एच कॉमन एच माइनस 5 होल अपॉन माइनस एच, एच से एच कैंसिल हो गया। अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें 0 माइनस 5 होल अपॉन माइनस 1 यानी कि आएगा क्या 5, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम इसी पे हम लोग क्या कर ले, आरएचएल निकाल ले, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 जहां एक्स मान हो जाएगा 3 प्लस, तो 3 प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस एच माइनस 6 होल अपॉन 3 प्लस एच माइनस 3, 3 या 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 इसको ओपन कर लें, 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6 एच माइनस 3 माइनस एच माइनस 6 होल अपॉन एच। तो अगर ध्यान से देखें 9 से 9 तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 5 एच आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस 5 एच। तो जरा इसको कॉमन करें, लिमिट एच टेंड टू 0 एच कॉमन कर लें, तो इस केस में जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी एच प्लस 5 एच कैंसिल आउट, 0 प्लस 5 आएगा क्या 5, तो एलएचएल में हमारा 5 आया और आरएचएल में हमारा 5 आया। जरा लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। अब यहां पर अगर ध्यान से आप देखें तो क्या लिखेंगे, सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन सो FX इज कॉन्टिन्यूअस, FX क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। तो आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी, आपको क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना है। अगर ये तीनों ही वैल्यू हमारी इक्वल है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन हमारा कैसा है कॉन्टिन्यूअस है। तो चलिए इसके एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन ये है, fx ये दिया गया है कॉन्टिन्यूअस दिखाना है कि x = 2 पे है कि नहीं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंड टू 0 f of a minus h यानी कि 2 minus h 2 पे चेक करना। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, टाइपिंग एरर है इसमें क्वेश्चन में, क्या है इसको देखो मैं करेक्ट कर देता हूं। जैसे कि यहां पे ग्रेटर लगा मैं इसको लेस कर देता हूं क्योंकि दोनों ग्रेटर तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको लेस कर देता हूं। अब आप ये समझिए कि जो हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x के 2 से लेस है, तो सेकंड वाला केस समझ लेना है, तो सेकंड वाले केस को आप ले, तो क्या करेंगे यहां लिमिट h टेंड टू 0 f तो नहीं लेंगे, मैं f तो हटा देंगे। अब देखो जब यहां पर x है तो यहां पर x स्क्वायर, तो जब ये जगह 2 माइनस x तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर, लिमिट अप्लाई करो तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 4। अच्छा बात करें अगर हम लोग RHL की, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस मतलब 2 के राइट साइड में, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप आ जाओ फर्स्ट वाले केस में। तो अगर आप रखें
करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस एच प्लस 5, अप्लाई करते लिमिट 2 प्लस 0 प्लस 5, यह आ जाएगा 6 प्लस 5 11 आ जाएगा। बात कर ले वैल्यू ऑफ फंक्शन के f ऑफ 2 की, तो ये इक्वल भी इसी वाले केस में, तो न्यूमरेटर में ही रखेंगे फर्स्ट वाले केस में, न्यूमरेटर तो नहीं कहना चाहिए, फंक्शन है इसको बोलते हैं हम पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि टुकड़ों में ग्रेटर के लिए अलग है लेस के लिए अलग है, तो पीस वाइज में आपको उस तरीके से वैल्यू रखनी है। x की जगह 2 रखते हैं, तो मैं ये x आपको जो लग रहा है ये मल्टीप्लाई का सिंबल था, 3 * 2 + 5 6 + 5 क्या आ जाएगा 11। अब देखो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL और दोनों ही अगर इक्वल नहीं तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, सो नॉट कॉन्टिन्यूअस, सो fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, यानी कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा किस पे, x इक्वल टू पे। और आपने देखा इसको कितने सिंपल वे में हम लोगों ने LHL निकाला, RHL निकाला, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाली, केवल तीन पार्ट ही थे, LHL निकालना था आपको, RHL निकालना था, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी थी, इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन रहेंगे। एक और पार्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा एक चीज और, अब कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं ये थोड़े से अलग क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है, इसमें आपको शो नहीं करना है कि LHL RHL इक्वल होंगे, इसमें क्या करना है LHL जो भी आएगा और जो भी RHL आएगा दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है उसके बस। तो चलिए इसको फिर ट्राई कर लेते हैं, पहले बात करते हैं हम लोग LHL की, तो लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 माइनस h 2 से लेस है, तो यहां पे आएगा फर्स्ट वाले केस, लिमिट h टेंड टू 0 k * 2 - h का होल स्क्वायर k into 2 minus 0 का होल स्क्वायर, तो ये लिमिट अप्लाई कर, तो यहां पे आ जाएगा 4k। अच्छा बात करें अगर हम लोग RHL की राइट हैंड लिमिट की, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, यानी कि राइट साइड के लिए तो फंक्शन डायरेक्ट गिवन है हमें 3, अगर मैं यहां पे वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करूं f ऑफ 2 की, तो भी आपको फर्स्ट केस में ही जाना है 4k। अब आप यहां क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिखना, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस गिवन है, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, जो फंक्शन है हमारा क्या बेटा कॉन्टिन्यूअस x इक्वल टू 2 पे, हेंस LHL इक्वल टू RHL, और LHL की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली वो कितनी निकाली 4k, और जो RHL की वैल्यू निकाली वो कितनी 3, तो जो k की वैल्यू हमारी आई निकल करके वो कितनी आ जाएगी 3/4, यही आंसर हो गया हमारे लिए, k की जो वैल्यू आई निकल करके क्या आई निकल करके 3/4। आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालना होता है, तो अगर आपसे कहा जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को क्या कर देना है इक्वल कर देना, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, यही चीज आपको डिस्कस करनी थी और यही हम लोगों को सॉल्व करना है। चलिए इसी बेस कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले काम तो आपको इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, पहले वीडियो को करना है पॉज, इसके बाद खुद से इसको ट्राई कर लेना है, और अब मुझे पता है आप आसानी से इसको सॉल्व भी कर लेंगे, टफ भी नहीं है, अभी इसी के जैसा क्वेश्चन किया है और आंसर क्या कर लेना कमेंट कर लेना है, सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 5 माइनस h, तो लेफ्ट के लिए तो हमें ये फर्स्ट वाला फंक्शन लेना है, लिमिट h टेंड टू 0 3 5 माइनस h माइनस 8 15 माइनस 3 माइनस 8, लिमिट h टेंड टू 0 h जगह 0 लिख 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा 7, राइट
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, आर एच एन लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ फाइव प्लस एच, यानी कि क्या हो जाएगा 2k। और बात करेंगे हम लोग वैल्यू ऑफ फंक्शन की, वैल्यू ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो क्या आएगा निकल करके ये भी देख लेते हैं। तो f ऑफ 5 3 इंटू 5 माइनस 8 15 माइनस 8 क्या आ जाएगा 7। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, fx क्या कॉन्टिन्यूअस किस पॉइंट पे x इक्वल टू 5 पे, सो LHL इक्वल टू RHL, LHL और RHL हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। तो LHL की जो वैल्यू हमारी कितनी है 7 है और RHL की वैल्यू कितनी है 2k, तो k की जो वैल्यू हमारी होने वाली कितनी हो जाएगी 7 बाई। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल ही था, कॉन्टिन्यूटी बच्चों को बड़ी सिंपल लगी, जिसने बस केवल स्प्लिटिंग सीख ली कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किस फंक्शन को पिक करना है, किस फंक्शन वैल्यू पुट आउट करनी है। बस इसका एक मेथड और होगा जिसमें केवल स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो मैंने केवल वैल्यू वाले क्वेश्चन ले रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और ये fx एक फंक्शन गिवन है आपको इस तरीके का, और हमसे कहा गया है कि फंक्शन कैसा है हमारा कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस है तो हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अभी तक हम टू क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं, फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूअस कहा जाएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होंगे, तीनों ही इक्वल होनी चाहिए तभी आप कह पाएंगे। तो चलिए इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा निकल करके। सबसे पहला काम तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या करेंगे लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ माइनस वन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो तो माइनस वन से लेस, मतलब आप इस तरीके समझो कि माइनस वन के इक्वल नहीं है, माइनस वन के इक्वल नहीं तो आपको फर्स्ट वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। तो जहां जहां एक्स लिखा है वहां आपको क्या कर देना वन माइनस एच कर देना, माइनस वन माइनस एच माइनस थ्री होल अपॉन माइनस वन माइनस एच प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो 1 plus h square plus 2h plus 2 plus 2h minus 3 whole upon minus h 2 over 3 limit h tend to 0 h square plus 4h, h अगर हम लोग common कर लें तो h plus 4 whole upon minus h, h and h cancel out, h की जगह 0 0 plus 4 whole upon minus 1, तो क्या आ जाएगा ये minus 4 आ जाएगा। तो जो हमारी left hand limit निकल करके आई है वो क्या है minus 4, अगर आप चाहो तो निकालो RHL, और otherwise नहीं भी निकालें तो भी आपको क्या मिलने वाला minus 4 ही मिलेगा, लेकिन हम लोग निकाल लेते हैं, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं right hand limit को, limit h tend to 0 f of माइनस वन प्लस एच, इस केस में फंक्शन हमको फर्स्ट वाले को ही लेना है, लिमिट एच टेंड टू जीरो तो माइनस वन प्लस एच कर दे, माइनस वन माइनस एच होल स्क्वायर माइनस टू वन प्लस एच माइनस थ्री होल अपॉन माइनस वन प्लस एच प्लस वन, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस टू माइनस टू एच माइनस थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा होल अपॉन एच, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच कॉमन करें एच माइनस फोर होल अपॉन एच,
एच से जीरो करें, जीरो माइनस फोर यानी कि क्या माइनस फोर, यानी कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों क्या इक्वल आ रही है। और लेकिन आपसे पूछा क्या इसके वैल्यू क्या है, के की वैल्यू पूछी हुई, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन पहले हम लोग निकाले जो भी क्या है के, अब यहां पे क्या करना है सिंस एफएक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल माइनस वन, सो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जरा इसको कर ले हम लोग, एल एच एल कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस फोर और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी आ रही है के, तो इस हिसाब से के की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी माइनस फोर, और वैल्यू अगर माइनस फोर है तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, मतलब के की वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो कहा ही गया था पहले, कॉन्टिन्यूअस की तो प्रॉब्लम ही नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था कि फंक्शन आपका कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, और फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है उसके बाद की बात थी हमें करना है क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थ्री पे चेक करना है, तो थ्री पे देखो चेक कर ले, तो थ्री पे कैसे चेक करते हैं, चलिए क्वेश्चन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ थ्री माइनस एच लिमिट एच टेंड टू जीरो थ्री माइनस मतलब थ्री के इक्वल नहीं है, तो थ्री माइनस एच प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स फोर अपॉन थ्री माइनस एच थ्री, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिक्स माइनस एच, तो क्या हो जाएगा थर्टी सिक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एच माइनस थर्टी सिक्स होल अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच एच माइनस ट्वेल्व होल अपॉन माइनस एच, एस से एच कैंसिल, एच की जगह जीरो पुट करते जीरो माइनस ट्वेल्व होल अपॉन माइनस वन यानी कि क्या जाएगा ट्वेल्व। जरा हम लोग आर एच एल की बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एच टेंड टू जीरो लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ थ्री प्लस एच कर देंगे इस बार, तो लिमिट एच टेंड टू जीरो बेटा जब थ्री प्लस एच है तभी आपको फर्स्ट वाले केस में ही जाना, क्योंकि इसी केस में थ्री के इक्वल नहीं है, तो जहां जाए से वहां थ्री प्लस एच कर दें, थ्री प्लस एच प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स होल अपॉन थ्री प्लस एच माइनस थ्री लिमिट एच टेंड टू जीरो थर्टी सिक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एच माइनस थर्टी सिक्स होल अपॉन एच, थर्टी सिक्स कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एच अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा एच प्लस ट्वेल्व होल अपॉन एच है। तो देखिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी इक्वल मिल रही है, और एक्चुअली क्वेश्चन में तो पहले ही ऑलरेडी उन्होंने कह रखा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो आपको इक्वल दिखाने की नीड भी नहीं थी, अगर नहीं भी करता अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता तो आप क्या कहते वैल्यू ऑफ फंक्शन के और वैल्यू आ रही है एलएचएल की 12, तो ये के की वैल्यू 12 ही हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अब ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि एफ ऑफ थ्री इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी के, अब इसमें हम एक बार ये कर लेते हैं सिंस fx is continuous at x equal to 3, फंक्शन हमारा क्या है continuous x equal to 3, तो अगर continuous है तो हम लोग क्या करें LHL equal to RHL कर दें और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं f of 3,
सारी बातें निकल करके आ जाएंगी। तो ये तो हमारी वैल्यू 12 है, तो 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा के, और यही हमारे लिए आंसर का काम करेगा। यही हमारे लिए किसका काम करेगा? आंसर का। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत शानदार मैंने लिए थे, केवल बोर्ड लेवल के ही थे, कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड थे, जिसमें कुछ वैल्यूज निकाली थी। आपके लिए लेक्चर नंबर 2 फिर से बनेगा, जिसमें कॉन्टिन्यूटी के बहुत से शानदार क्वेश्चन आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, जेईई मेंस के भी क्वेश्चन होंगे उसमें। तो आप समझ रहे हैं हम लोग मिल कहां पे रहे हैं, अपने प्यारे इस चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग मोटिवेट रहे, आपके लिए वर्क लगातार कंटिन्यू करते रहे, तो क्या कर लेना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आरटी एकेडमी करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।